हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे एक्सरसाइज 2.1 मैथ्स का, एनसीईआरटी क्लास 7 का है। और एक्सरसाइज 2.1 का भी हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 फुल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखो, सबसे पहले रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर कैसा होता है, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके बताती हूँ कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर कैसे होता है, ठीक है। देखो, यह है इसकी लेंथ, यह है इसकी वाइड्थ, ठीक है। वाइड्थ माने चौड़ाई, लेंथ माने लंबाई, और ये वाइड्थ दोनों सेम होता है और उसका लेंथ भी इक्वल होता है। उसके बाद में हम लोग को क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर पेपर का लॉन्ग यानी कि लेंथ दिया गया है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12 फुल 1/2 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद में हम लोग को विड्थ दिया हुआ है, विड्थ इक्वल टू 10 2/3 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले ये जो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसके बाद में उसका पेरीमीटर करेंगे। पेरीमीटर बेसिकली होता है जो फोर साइड है इसमें उसका प्लस करना, उसका टोटल निकालना। लेकिन हम लोग का एक फार्मूला भी है कि रेक्टेंगुलर शेप जो भी रहेगा उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो हम लोग पहले क्लास से पढ़ चुके हैं कि 2 × एल प्लस बी होता है उसका ये पेरीमीटर, ठीक है। एल यहाँ पर हो जाता है लेंथ और बी यानी हो जाता है ब्रेड्थ, ठीक है। और ये लेंथ और ब्रेड्थ हम लोग को दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे बदलेंगे, मैं पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। तो अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लेना, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन बताए हूँ, इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद मैं डेसिमल के नंबर के बारे में भी थोड़ा सा उसमें बताई हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 × 24 और 1 = 25 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा उसका लेंथ, और विड्थ कितना हो जाएगा, 3 × 10 = 30 और 2 = 32 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका विड्थ। अब आते हैं हम लोग का पेरीमीटर में। पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ लिखेंगे रेक्टेंगुलर सीट इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाता है। 2 × ये क्या दिया है, लेंथ में 25/2 प्लस ब्रेड्थ में दिया हुआ है 32 / 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इंटू 2 कर देंगे, तो हम लोग का जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम हो जाता है 6 डिवाइडेड बाय हो जाता है 2, तो 3 आंसर आ जाएगा। और 25 × 3 करेंगे तो 75 आ जाएगा। 6 / 3 हो जाता है 2, और 32 में इंटू 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा, ओके। तो 2 × यहाँ पर 5 और 4 9 7 6 13 / 6 हो जाएगा। अब ये 2 और ये 6 को हम लोग काट सकते हैं, 2 3 जाम। अब इसको और इसको काट देंगे, 2 4 जाम, 2 4 जा 12 हो जाएगा, और 1 और 9 है तो 3 6 जा, सॉरी 2 4 जाने 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 1 बचा 1 और 9। यहाँ पर मैं करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाए, ठीक है। 139 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा, बचा 1 9, 3 6 जा 18। यहाँ पर हम लोग का जो रिमाइंडर है 1 बच रहा है, और यहाँ पर फुल कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 46 फुल 1/3, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, और इसमें सीएम लिख देना। तो पेरीमीटर हम लोग का 46 1/3 सेंटीमीटर आंसर में आ गया, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 का जो डेसिमल और फ्रैक्शन था ना, उसका क्वेश्चन नंबर 4। चाहे तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये वाला जो सॉल्यूशन है ऐसे लिखोगे तो आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। ऐसे सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू, ऐसे क्लियर कट लिखोगे ना तो आपका मार्क्स फेचिंग होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी ई।
देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, ए बी ई ट्रायंगल नज़र आ रहा है और नीचे में एक रेक्टेंगल है बी सी डी ई। ठीक है, मैं बताई थी यहाँ पर जो ब्रेड्थ है यहाँ पर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द रेक्टेंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, यानी कि दोनों का हम लोग को पेरीमीटर पहले निकालना पड़ेगा। किसका किसका पेरीमीटर? ट्रायंगल ए बी ई का पेरीमीटर, उसके बाद में रेक्टेंगल बी सी डी ई का पेरीमीटर। दोनों का पेरीमीटर पहले निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ट्रायंगल का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन में हम लोग पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ओके, क्वेश्चन नंबर सॉरी, ये पहला में है ना, ट्रायंगल ए बी ई का पेरीमीटर में, तो तीनों का हम लोग प्लस करेंगे। पहले लिख देंगे ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, बी ई प्लस ए ई, ये तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो हम लोग का जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, ए बी में क्या दिया हुआ है हम लोग को 5.2 सेंटीमीटर, प्लस बी ई में दिया हुआ है 3/4 सेंटीमीटर, प्लस ए ई में दिया हुआ है 3/5 सेंटीमीटर, 3/5 सेंटीमीटर, ये है क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, तो हम लोग को इसको प्लस करना पड़ेगा, तो इसको 5/2 रहने देते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर में है। 4 2 8 प्लस 3 11 11/4 सेंटीमीटर, 5 3 15 15 और 3 18 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 4 और 5 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 4 5 2 1 2 2 2 4 5 2 में जाएगा 1 1 5 2 2 4 4 5 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। 20 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 10 आएगा, 10 5 50 20 डिवाइडेड बाय 4 5 आ जाएगा, 5 11 55 फिर 25 डिवाइडेड बाय 5 4 हो जाएगा, 18 4 72। इसको फिर तीनों को प्लस करेंगे, 5 और 2 7 हो गया 7 7 5 12 12 और 5 17। ठीक है, इतना हम लोग का आंसर सेंटीमीटर। ये किसका निकला हम लोग का, पेरीमीटर ट्रायंगल का भी निकला है। अब हम लोग का बचा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, होप आपको विजिबल हो रहा होगा। हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में हम लोग को मेंशन है, यहाँ पर देख सकते हैं ये विड्थ 7/6 सेंटीमीटर है और लेंथ 2 full 3/4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 into L plus B, तो 2 into L कितना दिया हुआ है भाई, लेंथ 2 2/3 प्लस ब्रेथ में दिया हुआ है 7/6, तो 2 into, पहले तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर में कर देंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर में करेंगे तो 3 2 6 6 और 2 8/3 प्लस 7/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 divided by 3 2 हो जाएगा, 2 into 8 16 प्लस 6 divided by 6 1 हो जाएगा, 1 7 7 16 और 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है हम लोग का 23 divided by 6। इसको हम लोग काट सकते हैं 3 जा, ये 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पर 23/3 हम लोग का सेंटीमीटर जो है ये पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकला है। अब हम लोग को डिसाइड करना है कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। हम लोग के पास फ्रैक्शन आया है 1 7 7 20 और 1 23/3। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको हम लोग कौन सा छोटा कौन सा बड़ा हम लोग बोल नहीं सकते। तो इसको हम लोग को पहले इक्वल फ्रैक्शन में बदलना होगा। इक्वल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग सेम कर देते हैं तो इक्वल फ्रैक्शन में बदल जाता है। उसके बाद में हम लोग जो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग है फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर है अलग अलग है, तो इसको हम लोग इक्वल फ्रैक्शन में बदलने के लिए ये दोनों का एलसीएम पहले निकाल देंगे। तो एलसीएम में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा हम लोग का एलसीएम, 23 जा 60। तो यहाँ पर 177 है,
डिवाइडेड बाय 20। देखो यहाँ पर 60 कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर को 3 में इंटू कर देंगे तो 60 आराम से बन जाएगा, तो इसमें भी 3 इंटू करना पड़ेगा। अब देखते हैं 23 बाई 3 को किस में इंटू करेंगे, 20 में इंटू करेंगे तभी तो 60 बनेगा। इसको 20 इंटू किए तो इसको भी 20 में इंटू करना पड़ेगा। अब इसको करो 3 3 7 21 कैरी आया 2, 3 7 21 21 और 2 23 कैरी आया 2, 3 1 3 3 और 2 5, ये 60 हो गया। ये हम लोग का किसका निकला है, ट्राइंगल का निकला। अब रेक्टेंगल का निकला है हम लोग का, ये तो 60 ऑब्वियसली हो जाएगा। यहाँ पर 0 2 3 6 2 2 4 ये हम लोग का निकला किसका, रेक्टेंगल का। अब आप लोगों को डिसाइड करना है, देखो ये तो बराबर हो गया तो सब बेसिकली ये तो बड़ा होगा ना और ये छोटा होगा, मतलब इसका ये जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ये ऑब्वियसली छोटा है और ट्रायंगल का पेरीमीटर यहाँ पर बड़ा निकला। तो आंसर में हम लोग लिख देंगे हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, तो लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर। ओके, तो बच्चों हम लोग आज इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे सॉल्व करके मैं दिखाई, उसके बाद मैं उसका जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन था उसको भी फुल्ली बता दी हूँ। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ आया है तो लाइक करना मत भूलना मेरी वीडियोस को, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, और जो भी नए स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो अगर आप लोग उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और पास में आएगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे जो अगले वीडियोज़ होंगे उसको भी उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग पहुँच सके। और स्टूडेंट्स मैं एक बार अपने चैनल के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल में खाली मैथ्स ही नहीं पढ़ाती हूँ, मैं मैथ्स के साथ साथ साइंस और ज्योग्राफी और जीके भी कवर करवाती हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश ग्रामर को भी कवर करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।